हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SBI का ATM कार्ड पिन कैसे बनाएंगे। ठीक है, न्यू ATM का पिन बनाना हो तो आप लोगों को कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना ATM कार्ड लगा दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका ATM कार्ड होगा यहाँ पर आप लगाएंगे SBI का ATM कार्ड। लगाने के बाद आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है इंटरनेशनल का। तो आपका जो कार्ड है इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल कर दीजिएगा। प्लीज़ वेट है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। और कार्ड आप जब तक काम करेंगे, मतलब जब तक यहाँ पर है बनाते रहेंगे, तब तक कार्ड को आपको उसमें लगा के रखना है। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट योर लैंग्वेज, आपका इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिएगा। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ रहा है डियर कस्टमर प्लीज़ सिलेक्ट ट्रांजेक्शन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पिन बनाना है। ठीक है, तो पिन जनरेशन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर प्लीज़ इंटर योर अकाउंट नंबर, आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल लीजिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर करेंगे प्रेस इफ करेक्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया प्लीज़ इंटर योर 10-डिजिट मोबाइल नंबर। ठीक, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो बैंक में आपका लिंक होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट आपका मोबाइल नंबर जो है पड़ चुका है। अब आपको क्लिक करना है प्रेस इफ करेक्ट पे। अब देखिए, योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड प्लीज वेट, आप आ गया है। ठीक है, आने के बाद आपका रिसिप्ट भी निकलता है, यहाँ पर देख सकते हैं एक रिसिप्ट निकलेगा और आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा और यहाँ पर सक्सेसफुली लिख के आ रहा है। ठीक, सक्सेसफुली देखेंगे यहाँ पर आ गया है और आपका कार्ड नंबर यहाँ पर 4 अंक शो करेगा। देखिए ऊपर 88 80, इस तरह से कार्ड नंबर शो करता है 4 अंक। और यहाँ पर जो इसका कोड आता है वो आपके जो है OTP भेजा गया होगा। ठीक है, OTP के जरिए आपको मैसेज मिलेगा, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो आपका मैसेज होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपके फ़ोन पे कुछ इस तरह से मैसेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्ड नंबर होता है। ठीक है, और इसका जो आपका आता है पिन, देखिए यहाँ पर 8461 इस तरह से करके आया है। ठीक है, इसका जो आता है इंग्लिश में लिख के आता है, डिजिट में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपको फिर से कार्ड लगाना होगा ATM में। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ड लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, कार्ड लगाने के बाद फिर से आपको अभी मैं बताता हूँ क्या करना होगा। देखिए, अब आपको इंटरनेशनल सेलेक्ट कर लेना है। इंटरनेशनल सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए प्लीज़ वेट का थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है, तो उसका आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखिए, और ट्रांजेक्शन बीइंग प्रोसेस्ड प्लीज़ वेट आ गया है। आपका लैंग्वेज यूज़ कर लीजिए जो आपको मैंने पहले बता दिया। बैंकिंग पर क्लिक करना होगा। ठीक है, पिन जनरेशन पर नहीं क्लिक करना है, आपको बैंकिंग पर क्लिक कर देना है। ठीक, बैंकिंग पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको पिन चेंज पर क्लिक करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पिन चेंज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक, क्लिक करने के बाद आप देखिए इंटर एनी कोई भी नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, 100 से 10 से 99 के बीच में कोई भी नंबर डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 88 डाल देता हूँ, जैसे कि हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करेंगे तो प्लीज़ इंटर योर करंट पिन, जो आपका पिन आया हुआ मैंने आपको बताया है, मैसेज में दिखाया है, वो पिन आपको डाल देना होगा। देखिए, अब उसको जब डाल देंगे तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लीज़ इंटर योर न्यू पिन। अब नया पिन आप कोई भी बना सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। फिर से री इंटर करेंगे, आप अपना पिन जो भी रहेगा री इंटर करके डाल देंगे। अब देखिए, योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड प्लीज वेट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर कंप्लीटेड दिखाएगा, देखिए ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड, आपका जो पिन है वो बन चुका है।